लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहता अंबानीज और टाटा से कम नहीं है। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। अर्शद भाई ना राजमा मार्केट मजामा। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। हट्टू जिगरा झाटों के बीच दबा के रखेगा ना तो कुछ नहीं होगा। छाती पर लेकर घूमना पड़ता समझा। सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह हमारा तारक मेहता। अर्शद मेहता तुझे पता है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मैन्युफैक्चर होता है? सीमेंट स्टील। हीरोज और भगवान। आज का कॉमन आदमी कल का हीरो बन सकता है, आज का हीरो कल का भगवान बन सकता है। क्रिकेटर्स पॉलिटिशियंस फिल्म स्टार सब यही करते हैं। एक्चुअली हम इंडियंस को हीरो बनाने में मजा आता है। अगर लोगों को ये लग रहा है कि हर्षद मेहता उनका भविष्य बना सकता है तो उसमें बुरा क्या है? देख मैं मार्केट में जाके भाषणबाजी करना नहीं चाहता, सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता हूँ। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। बॉम्बे बॉम्बे यहां सब बदल जाएगा पर दरिया वही रहेगा। तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूं, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चख। देखिए कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं कीमत में विश्वास रखता हूं। देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। आज फकीर नी फकीरी गई तरछो, तुसे नहीं सेठ पेलो मादर छो। लाला ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट। और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हर्षद के धंधे की धार पे भरोसा रख, अच्छे अच्छों की कट जाती है इसके सामने। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता पर जेब में लाइटर जरूर रखता धमाका करने के लिए।